आधार कार्ड अपडेट होने की वजह से मध्य प्रदेश के 1 लाख बुजुर्ग पेंशन के लिए अपात्र हो गए हैं। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने इवेंट के लिए पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जरूरतमंदों पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार का कहना है कि कांग्रेस के आरोप निराधार है, किसी की पेंशन बंद नहीं है। अपडेशन एक सतत प्रक्रिया है, जिनकी पेंशन बंद हुई है वो नए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फिर से आवेदन कर सकते हैं। अपडेशन में गई पेंशन, बढ़ी सियासी टेंशन। किसी भी तरह की पेंशन कोई बंद नहीं की गई है, नियमित प्रक्रिया रहती है केवाईसी की। बंद हुई पेंशन, सियासत फुल ऑन। हमारे जो वृद्धों को पेंशन मिला करती थी वो पेंशन बंद कर दी है, लेकिन वृद्धों के हक का पैसा अपनी योजनाओं में और अपनी सुविधाओं में खर्च करने पर तुले हुए। कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस ने खुद ने योजनाएं बंद करने का काम किया, हमने कोई योजनाएं बंद करने का काम किया नहीं, और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। पेंशन पर बुजुर्गों की बढ़ी टेंशन। आधार कार्ड अपडेशन की वजह से करीब 1 लाख लोगों की पेंशन बंद हो गई है। उधर कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा इसी पर। पेंशन की टेंशन बुजुर्गों के सामने एक बड़ी समस्या है। अब फिर से पेंशन शुरू करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। पेंशन शुरू भी होगी या नहीं, ये भी एक टेंशन है। इसी पर खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन पहले महाडिबेट के सवाल क्या रहेंगे उन सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा, क्यों बुजुर्ग पेंशन के लिए अपात्र किए गए, ये पहला सवाल है, जानेंगे इस पर। और दूसरा सवाल रहेगा, पेंशन पर आखिरकार कौन फैला रहा है भ्रम। तीसरा सवाल रहेगा, पेंशन से क्यों बाहर हुए 1 लाख बुजुर्ग। और इन सवालों पर आज की महाडिबेट करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कौन कौन है परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे साथ इस पैनल में है कांग्रेस के पूर्व विधायक है विनय सक्सेना जी, बीजेपी की प्रवक्ता है गुंजन चौकसे जी, वरिष्ठ पत्रकार है संजय त्रिपाठी जी, और साथ ही बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट सौरभ सचान जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का ही। त्रिपाठी जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ इस चर्चा की। जब भी योजनाओं को लेकर बात की गई है, तो जैसे ही शिवराज सिंह चौहान के बदले डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई, तब से ही कांग्रेस ने यह कहना शुरू कर दिया कि आज ये योजना बंद हो जाएगी, कल ये योजना बंद हो जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही। अब इस योजना को, जिसको लेकर सरकार कह रही है कि टेक्निकलिटी है, अपडेट हुआ है आधार कार्ड, तो ऐसे में कुछ नाम हट गए हैं लेकिन वो खुद को अपडेट करेंगे, केवाईसी करेंगे, तो वापस से वो पात्र हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं, उस आदेश को हमने भी पढ़ा है। जहां तक रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस क्योंकि मध्य प्रदेश में विपक्ष में है, तो कांग्रेस का ये आधार होता है कि वो अपना आलोचना करे, उसको पूरा अधिकार है। लेकिन जहां तक रही बात बंद करने की, तो जो आदेश मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं, खासकर सामाजिक न्याय विभाग ने, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल को उन्होंने अपडेट किया है। अब प्रोफाइल क्योंकि जिसमें कहीं किसमें जिन हितग्राहियों के नाम, पते, उम्र आदि नहीं मिलते थे, उनके ऑटोमेटिक है उनके पेंशन वो उस दौर से बाहर हो गए हैं। साथ ही आदेश में यह भी लिखा गया है कि अगर प्रोफाइल अपडेट होने के बाद जिन हितग्राहियों के नाम हटे हैं, करीब 1,20,000 के आसपास हितग्राही हैं जो जिनको पेंशन से रिश्ते फिलहाल बाहर कर दिया गया है, जो अब प्रोफाइल अपडेट हुई है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो उसमें यह भी आदेश में लिखा गया है कि अगर आप चाहें, अगर हितग्राही चाहें, तो एक बार दोबारा पुनः आवेदन कर सकते हैं। अगर वो आवेदन करेंगे, उनकी पूरी चीज़ें मिलेंगी, तो उनको पुनः पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो जहां तक हमारा अपना सोचना है, जो हमने आदेश देखा है मध्य प्रदेश सरकार का, खास सामाजिक न्याय विभाग का, मध्य सरकार का, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि पेंशन बंद नहीं की गई है, क्योंकि वो प्रोफाइल अपडेट कर रहा था मध्य प्रदेश सरकार। अब प्रोफाइल अपडेट में जो आधार कार्ड के आधार पर जो नाम, पते, लिंग, ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो ऑटोमेटिक वो हितग्राही जो है उस दौर से बाहर हो गए। तो जो कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है, तो कांग्रेस पार्टी अब किस आधार पर बोल रही है, क्यों बोल रही है, ये कांग्रेस बता सकती है। हालांकि कांग्रेस को पूरा अधिकार है, क्योंकि वो प्रतिपक्ष में है मध्य प्रदेश सरकार में, तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को परिभाषित कर सकती है। लेकिन जो तथ्य हैं, खासकर मध्य प्रदेश सरकार जो ऑर्डर है, क्या है वो आपने बता दिया कि प्रोफाइल अपडेट करने के दौरान 1 लाख के आसपास की संख्या में नाम हट गए हैं, और वो नाम, वो जो बुजुर्ग हैं, वो चाहेंगे जिनके नाम हट गए हैं तो वापस से अपडेट हो भी जाएंगे। सौरभ जी, लेकिन इससे तो एक पॉलिटिकल टूल मिल गया है ना कांग्रेस को। जाहिर सी बात है, 1 लाख बड़ा नंबर है बुजुर्गों का, और ऐसे में वापस नाम अपडेट करने के लिए, वापस प्रोफाइल को दुरुस्त करने के लिए
बुजुर्गों को थोड़ी तो यहाँ पर जहमत उठानी ही पड़ेगी, प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। सौरभ जी देखिए अपना सरकारों की आदत हो गई है कि लगातार बुजुर्गों को लाइन में लगा के रखना है। प्रोफाइल अपडेशन का काम निश्चित रूप से आसान तरीके से भी हो सकता था, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, उनके आधार कार्ड में मिस्टेक होती है, उम्र में मिस्टेक होती है, मोबाइल नंबर में मिस्टेक होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन बुजुर्गों के घर जा करके इस चीज को अपडेट करना चाहिए था और अचानक अपडेशन किया गया और बंद हो गई। अब ये बुजुर्ग वहां पर वापिस लाइन में लगेंगे और उसके बाद में फिर से उनकी पेंशन शुरू होगी, तो इस तरह की परेशानी तो अब इनको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम डिजिटल होते जा रहे हैं और डिजिटल होने के लिए कुछ ना कुछ परेशानी होगी। लेकिन ये लोग बुजुर्ग हैं, ऐसे में कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए कि उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए इसको सरलीकरण किया जाए, सिंप्लीफाई होना चाहिए प्रोसेस, ये कहा जा रहा है। विनय सक्सेना जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस को आपत्ति किस बात से है कि प्रोफाइल अपडेट क्यों किया गया या 1 लाख बुजुर्गों को हटाया क्यों गया? क्या है ऑब्जेक्शन? देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात एक ये है, मैं सौरभ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किसी भी सरकार का ये बाकी योजनाएं नहीं है कि बेरोजगारों को भत्ता देना है, किसानों को भत्ता देना है या हमारी महिला लाडली बहनों को पैसा देना है। ये वो वर्ग है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये वंचित वो वर्ग है जो निराश्रित है, कहीं लाचार है, ये बेबस है। इनके मैंने, चूंकि मैं लगातार विधायक बनने के पहले पार्षद भी रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा इनकी तकलीफों को। बुजुर्ग महिलाएं जो जिनकी कमर झुक गई है, जो व्यक्ति चल नहीं पाता, रिक्शे का पैसा नहीं दे पाता, और 20-25 साल तो आपने देखा होगा मात्र 300 रुपये इनको मिलते थे, और आज जब कांग्रेस की सरकार थी तब इसको माननीय कमलनाथ जी ने 600 रुपये की राशि की थी, 300 को इसको 1000 किया जाना था, आपको याद होगा। मेरा ये कहना है, इस पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकारें रोज करोड़ों रुपए के विज्ञापन रोज अखबार का मुख्य पृष्ठ पे देती हैं, क्या हमारे उन बुजुर्गों की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज की भी है? उसके खिलाफ निर्णय लेने के पहले 20-25 साल से जिनकी सरकार खुद की रही हो, अगर गलतियां हुई हैं तो हमारे उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। और एक बात बिल्कुल मैं सहमत हूं, ये बात मैं कहना भी चाहता जो सौरभ जी ने कही कि हम उन बुजुर्गों के घर पर क्यों नहीं गए। आपने इसके पहले सुना होगा रेलवे से बुजुर्गों की छूट टिकट की हमने वापस ले ली। ये बुजुर्गों, ये वो बुजुर्ग हैं जिसको 600 रुपए के लिए इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी अपनी गाड़ी बिठा के नगर निगम ले जाना नहीं चाहते, बैंक ले जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है 600 रुपए के लिए मैं इनके मोटरसाइकिल में आया हूँ, आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, बैंक वाले से मैं क्या कहूंगा कि ये बुजुर्ग महिला के लिए मैं 600 रुपए के लिए आया जबकि मैं अपडेट स्मार्ट बन के घूम रहा हूँ। ये वो वर्ग है। और एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि माननीय दीनदयाल जी का नाम लेके एक डायलॉग हमेशा चलता रहा है कि मेरी निगाह जो है, हम सब की निगाह जो है, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की निगाह जो है सबसे आखिर बैठे हुए पंक्ति के ऊपर है। और ये सभी कहते हैं, हर व्यक्ति जो राजनीति को कहता है कि मेरी निगाह में जो सबसे कमजोर तबका है हम सब उसके प्रति जिम्मेदार ज्यादा है, जवाबदेह हैं। मैं ये मानता हूं कि 600 रुपए की राशि मतलब प्रत्येक अगर दिन देखा जाए तो 20 रुपए की प्रतिदिन राशि, आप सोचिए आदमी भरपेट भोजन भी ढंग से नहीं कर सकता उसमें। उस राशि में 1,20,000 लोगों के ऊपर एक बार में तलवार चला देने से अच्छा ये होता, हम लोग अपने विभागों के तौर पे घर घर जाके सर्वे कराते, जांच कराते। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ जी, कई हमारे आधार कार्ड में बुजुर्गों के अंगूठों में आप देखिएगा, ये शिकायत जनरल है, आप सौरभ जी से भी कहना चाहता हूँ, संजय जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, और उनके अंगूठों के निशान नहीं मैच होते जो पहले मैच हो गए, अंगूठे घिस गए हैं कई बुजुर्गों के, आप देखना ये आम शिकायत है। हाँ, आधार कार्ड जब बनवाने जाते हैं इनके बारे में जिम्मेदार सोच क्यों नहीं है सरकार की, थोड़े से संवेदनशीलता सरकार की बुजुर्गों को लेकर और थोड़ा सा प्रक्रिया को सिंप्लीफाई किया था तो शायद संवेदनशीलता दिखाई जाती। महत्वपूर्ण ये है कि संवेदनशीलता दिखाई, वही मैंने कहा संवेदनशील नहीं है सरकार। देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस का जो हमेशा से आरोप प्रत्यारोप रहा है जनता को भ्रमित करने का, वो आज भी पूर्ण रूप से कांग्रेस ने फिर चरितार्थ कर दिया है जनता को सिर्फ भ्रमित करने का। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम था जो सुचारू रूप से जब जब सरकार ने कुछ करना चाहा है कांग्रेस ने उस पर इस तरीके की टोक लगाई है, उसे राजनीतिक विषय का मुद्दा दिया है और फिर जनता जनार्दन को भ्रमित करने का काम शुरू कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये योजनाओं को
बंद करने में यकीन नहीं रखती कांग्रेस की तरह, ये योजनाएं लाने में यकीन रखती है। जिस तरह मध्य प्रदेश में आज 2003 से लेकर अगर आज तक हम देखें, मध्य प्रदेश के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। उसी तरह ये कांग्रेस नहीं है जो मात्र 15 महीने में, पहले मैं सवाल करना चाहती हूं आज कांग्रेस के प्रवक्ता से भी कि आप बताएं, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी 15 महीने की सरकार 2018 में, 51 से ज्यादा योजनाएं, हितकारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी थी एक झटके में, क्या तब इनको ये समझ में नहीं आया था? आदिवासी महिलाओं के खाते में पैसे जाते थे 1,000 रुपए, इन्होंने एक झटके में आके बंद कर दिए थे, क्या तब इनके दिमाग में ये सब बातें नहीं आई थी? ये सिर्फ जनता जनार्दन को बौखलाने का काम कर रही है, क्योंकि इनको जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने निकाल फेंका है, ये 29 की 29 सीट पे जिस तरह कमल खेला है, ये सिर्फ जनता को बहकलाने का काम कर रही है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, ये सरकार अगर ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है, डिजिटलाइजेशन लाने की कोशिश कर रही है, ये वो सरकार है जो नंबर बेस्ड मॉनिटरिंग में यकीन नहीं रखती, ये पर्सन बेस्ड मॉनिटरिंग में यकीन रखती है, ये वो सरकार है जो प्रोएक्टिव होकर काम करने की कोशिश कर रही है, ये रिएक्टिव सरकार नहीं, ये प्रोएक्टिव सरकार है। अगर सरकार कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है तो ये टोक रहे हैं। अगर इस तरह हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में विपक्ष इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लेके खड़ा हो जाएगा तो कैसे सरकार चलेगी? आप मुझे बताएं, ये सरकार चलाने का अपना एक तरीका है, इन्होंने पहले ही एक आंकड़ा लगा लिया कि लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, बुजुर्गों को तकलीफ होनी पड़ेगी, क्या इन्होंने बाकी प्रोसीजर समझा हमसे? क्या सरकार ने कोई प्रोसीजर निकाला है? अभी सरकार ने सिर्फ अपग्रेडेशन की बात की है, अभी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की बात की है, समझा दीजिए ना, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये समझाने के लिए, तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सरकार है, आपने अभी आपने सुना भी होगा जिस तरह हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी अभी बात रखी थी अपनी, सरकार का एक ऑर्डर आया है, दिशा निर्देश आएंगे सरकार के आगे भी, जो सामाजिक न्याय विभाग है वो अपनी प्रक्रिया के तहत सबको अपनाएगा। बुजुर्गों की कोई भी योजना बंद नहीं हुई है ना होगी, सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडेशन का काम है। मैं दूसरा सवाल करती हूँ, ये लाडली बहना के लिए किस तरह जनता को भ्रमित कर रहे थे कि देखिएगा 3 दिसंबर तारीख के बाद लाडली बहना योजना बंद कर दी जाए। अब देखिए शिवराज सरकार चली गई, मोहन सरकार लाडली बहना योजना बंद कर देगी। आज मैं गौरव के साथ कह रही हूं, ये 13वीं किश्त भी लाडली बहना के खातों में फिर पहुंची है। ये वो सरकार है जो हितकारी योजना देने में यकीन रखती है, जन कल्याण में यकीन रखती है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हम अंतिम सक्सेना जी जवाब दीजिए, बात करते पहले आप लाडली योजना, हम लाडली बहना योजना के नाम पर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे थे, ये गुंजन जी आरोप लगा रही है, और अभी तो सिर्फ आदेश आया है, डायरेक्शंस का तो इंतजार कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कहना क्या आदेश पे, क्या आदेश पे लिखा है, क्या आदेश पे स्पष्ट है कि जब तक जांच नहीं हो जाएगी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, क्या आदेश में स्पष्ट है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक ये पेंशन मिलती रहेगी व्यक्ति को? ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरी बात लाडली बहना के लिए माननीय शिवराज सिंह जी के, मैं उस बयान को आज याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा था हर माह ये राशि बढ़ती जाएगी, 1,000 को 1,250, अगले महीने 1,500, फिर 1,750, क्यों बहनों करेंगे कि नहीं करेंगे? सबने हाथ उठाए, बोले 3,000 रुपए कर देंगे 6 महीने में। मैं पूछना चाहता हूं 3,000 रुपए क्यों नहीं कर दिए अगर इतनी जिम्मेदार सरकार है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर 1,00,000 बुजुर्गों का आप राशि रोक रहे हैं, वो राशि होती मात्र 6 करोड़ रुपए प्रति माह, और लाडली बहना की राशि होती करीब 2,000 करोड़ प्रति माह। तो अगर 6 करोड़ रुपए की राशि उन बुजुर्गों की, जो समाज मोहल्ले में हम लोग सोचते हैं कोई बुजुर्ग आदमी है जिसके घर परिवार को कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है, तो समाज भी ऐसे लोगों की जिम्मेदारी ले लेता है, हमारे वृद्धाश्रमों में भी ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे बुजुर्गों को जो लाचार हैं वो शर्म करते हैं, वो सम्मानजनक लोग हैं, वो नहीं चाहते पैसा लेना, लेकिन मजबूरी है उनकी, क्यों? क्योंकि ना परिवार के लोग ना मोहल्ले पड़ोस से कोई जिम्मेदारी से उनकी भरपाई करता है, इसीलिए वो मात्र 600 रुपए की राशि के लिए चक्कर काटते नगर निगमों के। आप जाके देखिए किसी भी नगर निगम में हर महीने में जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो किसकी होती है? बैंकों में सबसे बड़ी लाइन होती है, बैंक के अधिकारी झल्ला जाते हैं कि हम लाखों करोड़ों के अकाउंट करें, ये 600 रुपए के लिए इनकी लाइन को झेलते रहे, ये शब्दावली हर महीने ये बुजुर्ग झेलते हैं, और आज हम लोग इसको राजनीतिक बातें कर रहे हैं, हमें कोई इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, इतने जिम्मेदार थे तो 20-25 साल से मात्र 300 रुपए की राशि इन बुजुर्गों क्यों दे रहे थे? हमारे बुजुर्गों को ट्रेनों में जो छूट मिलती थी उसको भाजपा सरकार ने क्यों वापस ले लिया? इसका भी कोई जवाब देगा?
मैं आपसे ये भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में, एक मिनट एक बात और सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, विदेश चले गए करोड़ों अरबों खा के हमारे व्यापारी, लेकिन हम इन बुजुर्गों को जो हमारे समाज की जिम्मेदारी है उसको 600 रुपए देने में अंकुश लगाएंगे, लेकिन अपने सरकारी कर्मचारी भेज के उनपे घर में भेज के उनका आधार कार्ड अपडेट कराने में नहीं, लेकिन कोई मदद नहीं करेंगे कि हम, ये हम अंकुश नहीं लगा रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, गुंजन जी जवाब दीजिए। देखिए सक्सेना जी की बातें ये उतनी ही निराधार हैं जितनी कि इनकी पार्टी निराधार है, ये बातें उतनी ही झूठी है जितनी कि इनकी पार्टी झूठी है। अगर जनता पार्टी के जो आधार नहीं पहुंच रही होती ना बीजेपी वाले, तो आधार कैसे बताइए? अगर ये हितकारी योजना नहीं चल रही होती, जनता तक नहीं पहुंच रही होती, तो क्या 2003 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी को जनता समर्थन और प्यार और आशीर्वाद दे रही होती? विधानसभा चुनाव में आप आंकड़े देख ले ये कहां सिमटे, लोकसभा चुनाव में आप आंकड़े देख ले मध्य प्रदेश में ये कहां सिमटे, और उपचुनाव में भी अब आप आंकड़े देखिएगा ये कहां सिमटेगी कांग्रेस पार्टी। ये जनता जनार्दन तक जो कल्याण की योजनाएं पहुंचाने का काम किया ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जनता ने इनका वो तो अगर देखिए आपको महीने की सरकार जनता के लिए लूट का अड्डा सिंप्लीफाई करना चाहिए ना कांग्रेस की सरकार ने, यही तो कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई है ना। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, ये प्रोसीजर को और ट्रांसपेरेंट हो रहा है और डिजिटलाइज हो रहा है। आप मुझे बताएं कल को ये वही पार्टी है जो आरोप लगाते फिरते हैं कि देखिए इनका आधार मैच नहीं हो रहा, देखिए ये गलत योजना के तहत गलत आदमी को देखिए पैसा जा रहा है, ये लाडली बहना में क्या आरोप लगाते हैं कि देखिए इतनी बहनों को पैसा जाना चाहिए था इतनों को जा रहा है। हमने ये नहीं कहा कि योजना नहीं होगी, जो बुजुर्ग एंटाइटलमेंट जवाब उन्हें बिल्कुल नहीं जी। ये सरकार काम कर रही है, नंबर स्पेसिफिक सरकार नहीं है, हमें किसी से शाबाशी नहीं चाहिए कि आज 2 लाख को हमने ये दे दिया और 10 लाख को दे दिया। हम नंबर स्पेसिफिक पे जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पे जा रहे हैं, अपनी प्रक्रिया को अपना रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होने के लिए ही अधिकारित हर उस अधिकारी को अपनाया गया है। विनय जी जवाब दीजिए, अधिकार से वंचित ना रखा जाए, आप भ्रमित मत कीजिए, अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहते हम, इनकी तरह हम लूटपाट नहीं करना चाहते, सत्ता और कुर्सी के लिए सरकार चलाने नहीं आए हैं। बात निकलने दीजिए, जब मेरे को बोला गया है मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, इंदौर नगर निगम में 1 करोड़ रुपए अरबों का घोटाला हुआ था, माननीय कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे, आपको याद होगा उस पर जांच कभी नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के हजारों ऐसे शासकीय अधिकारी हैं जिन पे करोड़ों का छापे हुए, लेकिन सरकार ने उसको भ्रष्टाचार का केस चलाने की अनुमति नहीं दी, परंतु उसके बावजूद अब आप शांत रहे, अब मेरी बात सुनिए, क्या उसके बावजूद हमारे इन बुजुर्गों को जो हमारे प्रदेश की जिम्मेदारी है, हमारे माता पिता के समान है, ये बुजुर्ग जो है हमारे समाज के वो वंचित लोग हैं जिनको कोई सहयोग नहीं करता, ये उस 600 रुपए की राशि को बड़े संभाल के पूरे महीने खर्च करते हैं, ऐसे में इस राशि को रोक देना कहीं ना कहीं बहुत ही निंदाजनक है, और इसकी पूरी तरह से निंदा की जाने चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में। जहां तक आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के साथ ये हो गया वो हो गया, वो तो आपको देश में देखने मिल गया कि क्या रिजल्ट आया है, माननीय मोदी जी के 400 कुमारियों का पार्किंग आया की कैसे होने गई है, इस बात को ध्यान रखिए। एक मिनट सौरभ जी, योजनाएं जनता के नाम पर शुरू की जाती हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो वो अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन अब यहाँ पर आरोप अगर कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही तो बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि योजनाएं कमलनाथ के समय में बंद हुई थी, हमने कोई योजना बंद नहीं की गई। देखिए ये तो पॉलिटिक्स वाली बात है, लेकिन हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि कोई भी योजना लाई जाए वो सरल हो, लोगों के लिए आसान हो। अब रही बात बुजुर्गों की, तो आपने कांग्रेस प्रवक्ता ने सही कहा कि अंगूठा किसी का भी मैच नहीं करता, और इतने कार्ड्स की आवश्यकता क्या है, आप समग्र आईडी भी बनाते हैं, आधार कार्ड भी बनाते हैं, और बात करते हैं कि नेशनल स्तर पर एक ही कार्ड काम करेगा, तो कोई ऐसी इस तरह का सिस्टम बनाया जाए जिससे एक नागरिक को एक ही कार्ड पूरे भारत में काम करे और सभी योजना का उस तरह से लाभ मिले। अब कांग्रेस ने उस योजना को बंद किया या भाजपा ने उस योजना को बंद किया, लेकिन जनता के लिए जो भी योजना बनती है वो सरल होकर के उन तक पहुंच जाए, वो इस तरह की दिक्कतें ना आए कम से कम बुजुर्गों को, क्योंकि देखने में ये भी आया है कि जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया उसमें भी कहीं ना कहीं बुजुर्गों का नुकसान हुआ है, सारा पैसा एनपीएस में बाजार में लगाया जा रहा है, बाजार के अधीन होकर के सारा पैसा लोगों को मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाजार कैसे चलेगा, ये सब संशय वाली बातें हैं। तो सरकार को फुल प्रूफ काम करना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम ये राहत रहे कि सरकार हमारे साथ में है। जी संजय सर, आपसे कमेंट।
देखिए जहाँ तक हमारा अपना सोचना है, जो आदेश मध्य प्रदेश सरकार का आया है उसमें ये कांग्रेस प्रवक्ता सही बोल रहे हैं, उसमें लिखा नहीं है कि ये आगे चालू रहेगी बंद होगी, लेकिन उस पर ये लिखा हुआ है आदेश में कि अगर जिनकी हितग्राहियों की पेंशन बंद हो रही है, बंद हो जाएगी, वो अगर चाहे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश सरकार जो मध्य प्रदेश की है वो इस हितग्राहियों की पेंशन बंद करने नहीं जा रही, वो उन्हें क्योंकि उन्हें प्रोफाइल अपडेट की थी इसलिए कुछ लोगों के नाम निकले होंगे। अब रही बात आरोप और प्रत्यारोप की, तो कांग्रेस क्योंकि विपक्ष में तो अपना आरोप लगाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी, हाँ एक बात जरूर है कि जो इसका पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया को जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला कि और भी तरीके हो सकते थे इसको करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। जो अपने बुजुर्ग हैं, जो हितग्राही हैं, वो बेचारे बुजुर्ग हैं, 60 साल ऊपर वाले सब हितग्राही हैं, तो उनके घर में जा जाकर के भी ये परिवर्तन किया जा सकता था, ये बिल्कुल सही बोला कांग्रेस प्रवक्ता ने। लेकिन जहां तक हमारा अपना सोचना है कि जिस तरह से आदेश जारी हुआ है मध्य सरकार का, सामाजिक न्याय विभाग का, उससे यह स्पष्ट हो रहा है, यह लग रहा है कि हितग्राहियों की जो पेंशन मिल रही 600 रुपए वो बंद नहीं होने जा रही, इसलिए उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप चाहें जिन लोगों की हितग्राही की पेंशन बंद होगी वो चाहें तो दोबारा फिर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आवेदन की प्रक्रिया जो है उसको और सरलीकरण करना चाहिए। कंफ्यूजन है, ये कहा गया है ऑर्डर में कि जिन लोगों की बंद हुई है वो चाहें तो दोबारा शुरू करवा सकते हैं। जाहिर बात है जिन लोगों के नाम पहले थे वो जरूरतमंद ही रहे हैं, और तभी वो क्यों नहीं चाहेंगे, और जब नाम हटाया गया तो उसी समय उनको जानकारी क्यों नहीं दी गई और उन्हें अपडेट क्यों नहीं किया गया कि उनके पास एक ऑप्शन आ सकता है, कोई मोबाइल फोन में आया हो या इस तरह का, मतलब क्यों नहीं ऐसा कुछ किया गया कि उनको जानकारी दी जाए पहले कि देखिए आपका नाम हट रहा है, आप इस समय सीमा के अंदर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करवा लीजिए। सीधे आपने सिस्टम से नाम उड़ा दिया। बिल्कुल 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 आपने सही कहा, वही हमारा कहने का मतलब यही है कि जो प्रक्रिया अपनाई है प्रदेश सरकार ने उसमें थोड़ा दूसरी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो जो अपने हितग्राही थे उनको सूचना दी जानी चाहिए थी कि आपके इसमें ये कमियां हैं, इसके बाद उनका रद्द करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने डायरेक्ट ही आदेश निकाल दिया, निकालने के बाद जो भी हितग्राही उनको बाहर कर दिया, तरीका सही नहीं था, इसमें कुछ दूसरा तरीका अपना जो हितग्राही है उनके घर में जाना चाहिए था। प्रदेश फाइनल कमेंट आपसे, फिर मैं रुक करूंगी विनय जी का। जी देखिए इन्होंने आपने सवाल किससे किया है? मेरे से कहा, गुंजन जी, गुंजन मेरा जी, भी ये आग्रह है जी, गुंजन जी से एक फाइनल कमेंट। जी जी जी, देखिए अपर्णा जी, अभी सौरभ जी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि अंगूठा मैच नहीं करता, एक कार्ड कॉमन होना चाहिए जिससे सारी योजनाएं चलनी चाहिए। अगर इसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जा रहा है, वो राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आश्वासन दे रही है, भारतीय जनता पार्टी है, आपसे मैं तो हाथ जोड़ के माननीय मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, कि इस संशोधन इतना कर दें, ये राशि देना बंद ना हो जब तक कि इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। उन बुजुर्गों का 600 रुपए उनके लिए जीवनदायिनी है, उनके लिए संजीवनी है, उनके घरों की हालात देख के किसी भी समाज के व्यक्ति को पेट तकलीफ हो जाएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से चाहता हूँ, इसको राजनीतिकरण का मौका मत दीजिए, इसको तत्काल संशोधित करिए, राशि रोकना बंद कर दीजिए। एक जरूरी मुद्दा है, बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं वो जनता के लिए ही बनाई जाती हैं, तो जनता के लिए जब बनाई जाए तो जनता की सहूलियत का भी ध्यान सर्वोपरि होना चाहिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही, खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए।